अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम आ गए हैं भूसा के ऊपर। तो भाई यार मुझे पता है आप लोगों ने मिस किया होना, अभी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। तो कह रहे नहीं वैसे, और मुझे पता है काफ़ी लोग न्यू आए होंगे मेरा व्लॉग देखने। तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्यार दिया इंस्टाग्राम के ऊपर और मुझे पता है काफ़ी नए लोग देखने आने वाले हैं। तो हाँ भाई, ब्लॉग लेट क्यों? तो यार मैं एक बुरी न्यूज़ बताता हूँ, वो ये है कि वैसे तो राइड्स वगैरह मैंने बहुत किए हैं, तो मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता नहीं हूँ, वो अलग बात है। क्योंकि मैं ना दो थिंकिंग है, जब मैं राइड करता हूँ तो मैं, अगर मैं ब्लॉग बनाने लग जाऊँ ना, तो मैं थोड़ा सा राइड इन्जॉय नहीं कर पाता, क्योंकि बात करनी पड़ती है तो बड़ा कुछ होता है ना। मैं वैसे राइड अगर इन्जॉय कर रहा होता हूँ तो बहुत ही मतलब राइडिंग के ऊपर फोकस्ड होता हूँ। तो खैर नहीं, इस चीज़ के ऊपर हम यूज़ टू होंगे आस्ता आस्ता। पर हाँ, बुरी न्यूज़ ये थी कि मैं रिसेंटली अभी गया था वहाँ पे पत्रियाटा टॉप बुन फॉरेस्ट वाली जगह है, तो वो मैं टेकन पे गया था ना, तो वहाँ का मैंने पूरा व्लॉग शूट किया है, ठीक है, जो व्लॉग होता है। तो मसला है उसमें यह आया, जब मैं इसको एडिट करने बैठा हूँ व्लॉग को, तो उसमें माइक की ऐसी एक पोजीशन थी जहाँ पर पूरे व्लॉग में ना मेरी सांसों की आवाज़ आई जा रही है मैं ज़रा सी सांस ले रहा हूँ उसके अंदर आवाज़ आ रही है। तो ये बड़ा इशू हुआ, क्योंकि मैंने माइक आई थिंक सही जगह नहीं रखा हुआ था। तो फिर मैंने एक फ्रेंड से पूछा, उनका माइक का तरीका मैंने पूछा कि उन्होंने माइक कहाँ पर रखा होता है हेलमेट में ना, तो मैंने खैर उस तरीके से आज मैंने माइक रखा है, होपफुली अब ना आ रही हो सांसों की आवाज़ें, तो उसकी वजह से मेरा व्लॉग ज़ाया हो गया ना। तो अगर इसमें भी आएंगी तो भाई ये भी व्लॉग फारिग हो जाएगा। खैर एनीवेज, तो भाई आज बताते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड के ऊपर, एक मेरा न्यू बाइकर फेलो है, मौलवी साहब ऐसे नहीं मुड़ते, कोई बात नहीं। अच्छा, न्यू बाइकर फेलो है, बनेली है उनके पास, ने रिसेंटली बाइक की उसने, लड़का है छोटा, तो उसकी बनेली भी आपको दिखा देंगे आज, और साथ में थोड़ी राइड हो जाएगी, और भूख भी मुझे लग रही है। तो सोच रहा हूँ कि हम कुछ खाने जाएँ, तो कह सकते हो कि आज का एक मोटो व्लॉग के साथ साथ फूड व्लॉग भी होने वाला है, अगर खाने गए तो, अदरवाइज मोटो व्लॉग ही रह गई है। अच्छा जी, आज काफ़ी ट्रैफिक है वैसे रोड्स के ऊपर ना, तो वी नीड टू बी केयरफुल। खैर, मैकडोनल्ड आ गया है, जैकेट्स वगैरह मैंने पहन लिए हैं। तो पहले राइडिंग गियर में थोड़ा स्किप करता था, क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी यार जैकेट्स में ना, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मौसम थोड़ा अब ठंडा हो गया है, तो हम जैकेट्स पहन सकते हैं। एक गियर अप बंदा ने जब पूरा किया होता है ना, तो बाइक राइड करने का तब मज़ा ही अलग होता है। टी शर्ट में ग्लव्स जस्ट पहन के, ये चीज़ें पहन के राइड करने का मज़ा नहीं आता, एक फील नहीं आती। तो इन पूरे गियर में बड़े आई करना, अच्छी फील आती है। तो ये भी पहुँच गया भाई, ये ही बने ली, ये 700 cc बने ली है। इसका साउंड में भी आप लोग इन्जॉय ना करें, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर है, बट पावर वाइज ओके है। कैसा है ब्रो? बाइक गंदा है यार आज। क्यों गंदा है? धुलवा लेंगे, क्यों नहीं? धुलवाना है क्या अभी? हैं? धुलवा लेंगे। मैंने नहीं धुलवाना, मेरा बाइक साफ है, इतना कोई इशू नहीं। आगे बस मच्छर लगे हैं वो अलग बात है, लेकिन साफ है। थोड़ी देर खड़े होते हैं, गपशप करते हैं, निकलते हैं। अच्छा तो बॉयज़, ये है बनेली 752S ड्यूल सिलेंडर, और इसका साउंड भी मैं आप लोगों को भी सुनवाता हूँ। ये पकड़ो यार, आपका टोपा रह गया सॉरी। अच्छा, इसका साउंड आपको सुनाते हैं, मैं भी इसका साउंड सिमिलर है उसके डुगाटी जैसे पीने के लिए का होता है ना। खैर इंजन वो नहीं है, बट साउंड सिमिलर है, काइंड ऑफ दिस इज ड्यूल सिलेंडर। तो ये इतना बड़ा रेडिएटर है आगे, नाइस साउंड थैंक यू। बाइक तेरा प्रूव हो गया भाई,
वो बच्चे को पसंद आया। अच्छी पसंद है, ऐसा बाइक नहीं लेते। अच्छा तो भाई यार अभी हम निकलने लगे हैं, राइड भी हो जाएगी साथ साथ, और अभी हम पहले जाएंगे 7, तो वहाँ पर कुछ खा भी लेंगे, चाइनीज़ फूड है, आप लोगों को थोड़ा रिव्यू भी दे देंगे, आप लोग भी ट्राई करना कभी जाके, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जो चाइनीज़ फूड लवर है तो उनको खैर बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा मैंने माइक थोड़ा फिर से साइड किया, मैंने नोट किया कि मेरे फिर से सांसों की आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं भाई माइक मुझे माइक को कहाँ रखना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, हेड कैंसर बहुत ज़्यादा साउंड डालते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है रोड्स पे, ये थोड़ा इशू है आज। अच्छा पता है क्या, अब रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक ना होना तो तब भी मज़ा नहीं आता, पर ट्रैफिक इतनी हो कि नॉर्मल हो, बंदा राइड भी कर सके, और ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना राइड करना मुश्किल हो जाती है। अभी हम इसी सीधा रोड पे जाएंगे, आगे अटक पंप पे, वहाँ से मुड़ जाएंगे F7 की तरफ और कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ खा पी भी लें साथ ही ना, राइड वगैरह आए हैं तो। तो अभी मैंने कल ही इस बाइक का ऑयल चेंज करवाया, पहले मैं लास्ट मैंने इसको ऑयल डलवाया हुआ था, वो था मोबिल 1, जो कि मार्केट में इस बार मिल ही नहीं रहा था। वैसे ब्रांड्स चेंज करने नहीं चाहिए, जो बाइक में आप ऑयल डलवाते हो वही कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन वो मजबूरन मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि मैं ना लिक्विड मोली डलवा लूँ, बट लिक्विड मोली फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा तो होता है बट एम्स ऑयल डलवा लो उससे ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने कहा वो भी ठीक है, लेकिन लिक्विड मोली का यह था कि हर टाइम अवेलेबल होता है, बट मैंने एक बंदे से नंबर लिया F10 में, उनके पास एम्स ऑयल था, तो मैंने उनसे एम्स ऑयल परचेज कर लिया, तो मैंने कहा एटलीस्ट चलो कुछ तो ऑयल डाले ना अंदर, वो मोबिल 1 डलवाए वो टाइम हो गया था, तो फिर हमने एम्स ऑयल इसके अंदर कल ऑयल डलवाया, ऑयल थोड़ा मिलना मसला हो गया बाइक्स का भी ना, लिक्विड मोली तो ईजिली मिल जाता है, एम्स भी थोड़ा सा मुश्किल से मिल ही जाता है, मोबिल 1 तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। मोबिल 1 कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑयल है ना, मतलब लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर मोबिल 1 ही डलवाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊं प्रॉपर, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिला कल बिल्कुल भी इसके ऊपर ब्लॉग बनाने का, तो मैंने कहा अभी आप लोगों को बता ही देता हूँ इस चीज़ के बारे में भी। यूजुअली बॉयज़ में जो राइड करता हूँ ना बाइक, वो मैं रात के टाइम करता हूँ, दिन के टाइम में बहुत कम करता हूँ, खैर अब तो सर्दी आ गई, हम दिन के टाइम भी करेंगे। वैसे जो लास्ट टाइम जो इशू था वो था ट्रैफिक, एक तो खैर दिन में बहुत होती है, और प्लस हाँ बिल्कुल अगर बंदा सुबह को जाए ना तब नहीं होती, क्योंकि तब नींद आ रही होती है, ठीक है ये मसला होता है। तो अगर अब देखा जाए तो मे भी 8 या 9 तक नहीं ट्रैफिक होगी, क्योंकि ठंड की वजह से ना इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मे भी दिन के टाइम करें। कहाँ लेफ्ट जाना है? अच्छा लेफ्ट जाना है, मुझे नहीं यहाँ से एक्चुअली मुझे F7 का रास्ता नहीं पता, मैं इस रूट से कभी नहीं आया, मरगला वगैरह से आता रहता था, तो यहाँ से मैं F7 का रास्ता भूल गया हूँ। अबे इंसान बन जा। यार मेरी बस तुम लोगों को आवाज़ ठीक आ रही हो, मैंने माइक पीछे ना इस बार कुशन के नीचे दबा दिया है, मैंने कहा भाई मेरी सांसों की आवाज़ है तुम लोगों को इतनी ज़्यादा आ रही होंगी ना, तो बंदा ना एक इरिटेट होता है व्लॉग देखते हुए ना।
ये रहा इधर ही है, वो रहा ऊपर लेंजू नाम से यार, मतलब इसको ना कुछ मजाक उड़ाना, बाकी ये रहा रेस्टोरेंट सामने ही ऊपर लेंजू, यहीं पर मिलता है चाइनीज़। थोड़ी मैंने घर में बनाने वाले भी चाइनीज़ ही हैं यहाँ के। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, शायद को मैं फ़र्स्ट टाइम लाया हूँ तो यहाँ से भी रिव्यू आपको पता पड़ जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम जो बंदा आएगा उसको कैसा लगता है। तो ये मेरे ख्याल में इतना चाइनीज़ लवर है नहीं, लेकिन जो जिसको चाइनीज़ फूड को पसंद है पसंद होगा उसको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा तो बॉयज यार ये अभी हम आए हुए हैं लेंजू होटल और हमने अभी फ्राइड नूडल्स मंगाए हैं ये, और काफ़ी दिखने में अच्छे लग रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा भाई, एक ट्राई कर नहीं दिया क्या सुनने कुछ पहले से मंगवाते हैं फिर ट्राई करी। तो भाई ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा शायद, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया, अच्छा नहीं लगे तो भी बता दें, ब्लॉग में पता पड़ जाएगा, एक तरह का फूड ब्लॉग भी हो गया ना ये। चल भाई क्या सीन है, बकवास है अच्छा है, मतलब सही बता अच्छा अच्छा है, चलो भाई सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं सर बोल रहा हूँ भाई, लोगों ने यहाँ पे आना है ब्लॉग देख अच्छा तो बॉयज अभी हमने यहाँ से खा पी लिया भाई, तो कैसा लगा भाई तुझे? मज़ा आया? ब्लॉग के लिए तो नहीं बोल रहा भाई, सही बता दे चलो भाई इसको भी अच्छा लगा, हालांकि कोई इतना चाइनीज़ फूड लवर नहीं है, लेकिन जिसको चाइनीज़ पसंद है उसको तो खैर बहुत मज़े का लगने वाला है, तो एक बार लाजमी ट्राई करना फ्राइड नूडल्स, और कुछ ट्राई ना करना, वो बाकी चीज़ें मुझे नहीं पसंद, फ्राइड नूडल्स मुझे इनके अच्छे लगते हैं। चलो भाई तो भाई ये है 7 जिना सुपर, और वहाँ पर है ये लेंजू चाइनीज़, फ्री में प्रमोशन कर दी लेंजू तुम्हारी यार, खैर कोई मैं इतना ज़्यादा कोई व्यूअर्स तो नहीं होते मेरे पर थोड़ी बहुत प्रमोशन होगी की होगी। तो अभी हम निकल रहे हैं, मैंने बाइक में थोड़ा फ्यूल अप करवाना है और उसके बाद दैन राइड मारेंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे। क्या पटाखे मार रही है यार, लव यू बेबी यार, बहुत प्यारे पटाखे मार रही है। चलो भाई मजा करवाते हैं तुमको, क्या पटाखा मारा है इसने कुछ तो जल गया तो बाइक चलाते रहे हो क्या, एक्सपीरियंस है बाइकों का? कौन सी बाइक चलाई है? CBR 600 होता है। अच्छा यहाँ पे सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा 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 स्टूडेंट ऑफ सीए। अच्छा स्कैन्स भी लेके जाता था माशाल्लाह यार, चलो बेस्ट ऑफ लक। बॉयज फ्यूल अप मैंने करवा लिया, और लाइक जो फ्यूल अप कर रहा था लड़का ना, डेट वॉज इंस्पायरिंग ना, तो इस बंदे ने मुझे कहा है कि अच्छा मुझसे बाइक्स के रिलेटेड बात करें कि कौन सा बाइक है, विच मॉडल लाइक ना, और भूसा भूसा लाइक ये चीज़ें, मतलब इसको पूरा नॉलेज थी, एंड आई वाज सेइंग कि बहुत रिलायबल बाइक्स होती हैं सुजुकी की, नो डाउट रिलायबल तो होती हैं अपने हमारे जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट है ना उस हिसाब से,
काफ़ी रिलायबल होती हैं ये सुजुकी की बाइकें ना, ज़्यादा टांगे नहीं जलाती हैं, ज़्यादा हीट अप नहीं करती, तो इसको बड़ी नॉलेज थी। तो आपने बाकी मैंने कहा चलो मैं GoPro ऑन कर ले, तो आगे कन्वर्सेशन आप लोगों ने सुनी ली। तो ये कह रहे मैं CA का स्टूडेंट रहा हूँ एज अ सुपरवाइज़र, यहाँ पर अभी सीख रहा हूँ। तो अच्छा तो सीख रहा हूँ और लाइक देखो माशाल्लाह अल्लाह इसको आगे लेके जाए, मेहनत कर रहा है और कहा भी है इवन किसने बाइक राइड भी की हुई है 600 और पता नहीं आई डोंट नो 1000 CC इसने बोला साथ में। नाइस यार, गुड वन। हाँ भाई थोड़ा मज़ा चाहिए तुम लोगों को, आ जाओ। ट्रैफिक ना यार यहाँ पर ना होती ना ये। ये सुनो चेक करो, मैं दिखा नहीं सकता बैक पे। होपफुली तुम लोगों को आज के ब्लॉग में मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। तो ये इस राइड पे हम बाद हम जाएंगे मैकडोनल्ड पे, वहाँ पर हम बैठ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम सीधा घर घर। तो ये आज की छोटी सी राइड थी, मतलब नॉर्मली मैं सर ये राइड्स वगैरह बहुत करता हूँ, मैंने कहा यार तुम लोगों के साथ मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो एक ब्लॉग हो जाना चाहिए। तो इस तरह की मैंने राइड्स बहुत किए हैं अभी पास ना पिछले मंथ्स में, तो मैंने कहा इस बार ब्लॉग होना चाहिए ना। ये नॉर्मली हमारी राइड्स होती हैं वीकेंड्स पर तो लाजमी, और वैसे भी कभी कभार अगर मूड हो जाए तो नॉर्मल डेज में भी हो ही जाती है। हाँ तो बॉयज़ ये अभी हम आ गए मैकडोनल्ड पे और यहाँ था, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। क्यों भाई शायद मज़ा आया? कितना मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो भाई शायद को भी मज़ा आया। तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म, ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में शायद के साथ। क्यों भाई?